ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಲ್ಗಾಯು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ವ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಲ್ಕಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರಾದಂತಹ ಇದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಜನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಕಂಬರ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ .com ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುವುದು, ತಾವು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಮೇಡಮ್? ಆಪ್ಕ ಪರಿಚಯ ಹಮಾರೆ ದರ್ಶಕೋ ಬೋಲು. ನಿರ್ಮಲಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಕಾಂಕರ್, ಸುಳ್ಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇ 7 ವರ್ಷ. ಕೌನ್ ಸೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇ ಆಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೈ? ಮೇಡಮ್ ಸುಳ್ಗಾ, ಸುಳ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇ. ಸುಳ್ಗಾ ಯು ಹೈ ನಾ? ಹಾಂ ಸುಳ್ಗಾ ಯು. ಹಾಂ ಜೀ ಜೀ ಜೀ. तो सुरगा यू में आप पिछले बार भी एक बार अध्यक्ष बने? हाँ, 2007 में एक बार. आप मराठी में बात करें? 2007 में एक बार अध्यक्ष हुआ, आता है दूसरी बार. इट्स ओके. आपके हस्बैंड हमारे यहाँ उपस्थित में. सर आपका अपना परिचय हमारे दर्शकों को. नमस्कार, मेरा माझा नाव यल्लप्पा सीताप्पा कलकामकर. आमचे वडील पूर्वीपासून समाजसेवेमध्ये होते, जवळजवळ ते गोवा स्वातंत्र्यसैनिकच्या लढाईमध्ये फ्रीडम फायटर होते. त्यानंतर ते ग्रामपंचायतीमध्ये 40 वर्ष जवळजवळ अध्यक्ष बने रहते. अभी नंतर जिल्ह्याने आमच्या ग्रामसेवे समाजसेवा केल्यानंतर बरेच दिवसानंतर त्यांनी समाजसेवा सोडल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये वडिलांचं वारसा करण्यासाठी मी त्या ग्रामपंचायत अध्यक्षामध्ये मी सुद्धा 3 वेळा निवडून आलेलो आहे. ती निवडून आल्यानंतर शाळेचा आपल्या डेव्हलप करण्यासाठी, शाळेच्या शिक्षणाचा डेव्हलप करण्यासाठी मी 9 वर्ष एस डी एम सी कमिटी मेंबर थे. की त्याच्यानंतर मी आपल्या शाळेचं हायस्कूलचं परिवर्तन करण्यासाठी मी डेव्हलप म्हणून जवळजवळ मी तिथं पण आता प्रेझेंट डायरेक्टर म्हणून ब्रह्मलिंग हायस्कूल सोसायटी शाळेचा मी डायरेक्टर आहे. त्यानंतर परत मी आपल्या सोळगे गावामध्ये बरंच विकासाबद्दल संध्या सुरक्षा योजना, गरिबांच्या पेन्शन्या, आपण या सर्व लोकांना मी गावात भरपूर विकास केलेला आहे. त्याप्रमाणे मी गावकऱ्यांनी मला चांगल्या पद्धतीने 3 वेळा निवडून दिलेलं आहे. अच्छा, आप सोशल ऍक्टिव्हिटीज कब से शुरुआत की है सर? आपको कैसे लगा कि सोशल ऍक्टिव्हिटीज में कैसे आना है? आपके गुरु कौन है? हमारा आमचा माझे गुरु म्हणजे आमचे वडीलच. त्याच्यानंतरच मी वडिलांचं बघून सर्व काही मी त्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये समाजसेवेमध्ये उतरलेलो आहे. त्याप्रमाणे मी आजपर्यंत मी सेवा करत आहे. अभी ग्राम पंचायत में 3 बार इलेक्टेड मेंबर भी हैं. मी पहला 4 मध्ये निवडून आलेलो, नंतर मी 5 मध्ये 2 वेळा निवडून आलेलो आहे. यानी टोटल आप और आपकी धर्मपत्नी मिलाकर 5 बार आपको यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए आपको मौका मिला है. तो ऐसे मौके पर आपने क्या क्या डेवलपमेंट अब तक लाए? हमारे गाँव में डेवलपमेंट में बीच कनेक्शन, वो रोड, वो पानी, शिक्षण, इतर सर्व पेन्शन, गरीब लोगों को पेन्शन, विधवा पेन्शन, संध्या सुरक्षा पेन्शन, अपंगांचं सुद्धा मी सेवा केलेली आहे. त्याप्रमाणे मी निवडून आले. आपके पिताजी जब वो भी कुछ ग्राम पंचायत में कुछ ये होते? हाँ, हमारा पिताजी वो पिछले 40 बरस थे और सोलह ग्राम पंचायत का चेयरमैन था. अभी 5 मंडल पंचायत प्रधान, तो त्यावर पण प्रधान म्हणून सेवा बजत होते. तो आपकी ग्राम पंचायत को कितने ग्राम ऐड होते हैं? हमारा ग्राम पंचायत मेंबर है वो 19 मेंबर्स 19 है. तो कितने विलेजेस मिला के बनता है आपके? कितने? 2 विलेज का है. 2 विलेज कौन कौन सा? वो कल्याण और सोलगा. अच्छा, इन दोनों ग्राम पंचायत में आपने पानी की जो अभी अभी बताया सुविधा को हमने हल किया, सही से किया, तो कैसे तरीके से किया? यानी कि बोरवेल के जरिए से किया या नदी का पानी यहाँ तक पहुँचा, क्या तरीके से आप? हमारा पहला वो बौड़िया के कुएं में बौड़िया खुदाई, बौड़िया के वो पानी पाइप से
टाकिया बनाया, टाकी बनाई से वो पाइपलाइन से घरों-घरी उन्होंने मुसलगा में ऐसा किया है, वो टाकिया बनाकर बड़े बड़े टाकिया बनाकर पाइपलाइन से हर घर में एक एक नल कनेक्शन दिए फिल्टर वाटर के लिए, क्योंकि जिस तरह से शुद्ध दवा हवा हमारे लिए कितना बेहतरीन हो जाता है, इसी तरह हमारे पीने का पानी भी हमारे लिए शुद्ध बहुत जरूरी होता है। शुद्ध पानी के लिए राज्य सरकार ने सभी जगह पर एक बूथ बनाए थे फिल्टर पानी का, तो आपने अपने दोनों ग्राम में कितने बूथ अब तक बनाए? हमारा कल्याण सोडा वो बूथ वाटर प्लांट दो किया है, उसको पानी भी हर रोज शुद्ध पानी में देते हैं। कितने रुपए में लोगों को मिल रहा है? हमारा सोडा कल्याण गांव में दो प्लांट आए, वो प्लांट के 20 लीटर पानी वो 5 रुपए में हमें मुफ्त देता है। अच्छा, उधर 5 रुपए में भी 20 लीटर मिलता है। और अभी कितने जरूरत है सर आपके हिसाब से, जो सर्वे किया, अभी आपकी धर्मपत्नी भी अध्यक्ष हैं, तो दोनों ग्राम की जवाबदारी आपके पत्नी के सर पर रहती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर कुछ काम करना पड़ता है, तो ऐसे मौके पर अभी कितने प्लांट्स की जरूरत है आपको यहाँ? तो और दो प्लांट हमारा चाहिए चाहिए, वो का है गाँव बहुत बड़ा है, वो जो 1400-1500 उस घर में है, घर है वो कल्याण वो 700-800 घर है, उसका और प्लांट की जरूरत है हमारा गाँव में। तो अभी अभी आपने इससे पहले ये बताया था पानी की सहूलत के साथ तो स्कूल्स डेवलपमेंट भी लाए थे, स्कूल्स की सुविधा किस तरह से आपने किया है, अभी क्या करना बाकी है? स्कूल की सुविधा हमारा दो एक हाईस्कूल है हमारे गांव में, उसको मराठी शाला है, कन्नड़ शाला है, वो कन्नड़ शाला में हमारे वो टाके भी यूज करके पानी दिया है, वो दो टाकिया बना के हाईस्कूल में मराठी में वो पानी हर रोज डेली हम शाला में देते हैं स्कूल में। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सारे घरों पर शौचालय के लिए ज्यादा ये दिया था, प्रेजर डाला था, हर घर पे शौचालय होना बहुत जरूरी था, तो शौचालय के लिए आपने क्या, पिछले बार भी जो आप मेंबर भी थे, इस बार और आपके धर्मपत्नी अध्यक्ष भी बने, पिछले बार भी जो अध्यक्ष बने थे, तो पीरियड ग्रेस पीरियड आपका ज्यादा मिला है लोगों की खिदमत करने के लिए, तो आपने कितने शौचालय अब तक बनाए? वो हमारा गांव में सभी घरों का शौचालय बनाया है, बन गया है और थोड़ा नया घर बनाया तो थोड़ा है, बाकी उसका गवर्नमेंट केंद्र सरकार शायद 12,500 का है, वो अनुदान मिलता है उसको, वो ग्राम की तरफ से हमें उसको अनुदान देता है, और कल्याण में भी 16 में वसति योजना के हिसाब से जिसको घर नहीं था, जिसको कुछ भी रिहाइश के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसे लोगों के लिए घरों का सुविधा ज्यादा करने का प्रेशर डाला था राज्य सरकार ने, तो आपने ज्यादा घूम फिर कर कितने गरीबों को अब तक घर का सुविधा उपलब्ध कराया? गाँव में पंचायत में थोड़ा हाउसिंग घर गवर्नमेंट कम देता है, वो मांगनी ज्यादा आता है गरीब लोगों को, वो एक साल के 2-10 हाउस घर देता है, वो घर देने के बाद वो गरीबों ने 1-2-4 हम देता है, कल्याण में ऐसा होता है, और हमारे गवर्नमेंट ने वो केंद्र सरकार से कहा है कितना घर लोगों को चाहिए, इसका हमारा एप्लीकेशन दिया था, वो सभी जो 930 का घर मांगने का गांव में आए, वो क्या अभी नहीं किया अभी गवर्नमेंट ने। आम लोग चाहते क्या है कि रोड, पानी और इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का जो मसला है, अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे थे हल नहीं हुआ, बार बार बिजली चले जाती है यहाँ पे, बिजली निरंतर नहीं रहती, इसके लिए आपने टोटल 30 साल आपने सोशल एक्टिविटीज किया है, 15 से 20 साल तक आप सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ में पॉलिटिकल में भी, पंचायत में भी आप हिस्सा लिए हैं, तो इसके जरिए से आप बिजली की सुविधा के लिए नए खाम हो या लाइट स्ट्रीट लाइट्स हो या जिसके घरों को करंट नहीं थी उनके लिए क्या क्या सहूलत किया? वो मैं पिछले 25-30 साल में पंचायत में था सेवा करने के लिए, अभी वो गवर्नमेंट का वो जो इलेक्ट्रिक बिल है ना वो सिटी वो घर में सभी घरों में अपनी गवर्नमेंट तरफ से दिया है, और थोड़ा गरीब लोगों को भी मुफ्त बिज कनेक्शन दिया है, और वो खंभा खराब हुआ तो नया खंभा डालने के लिए है, वो नया घर बनाए तो नया खंभा अभी पंचायत में दिया है, अभी सभी तरफ से किया है। अच्छा, आपके दौर से लेके 13 फाइनेंस से लेके अभी 15 फाइनेंस तक कितने फाइनेंसों को आपने एक्सेप्ट किया और कितनी जगह पे क्या क्या उसके जरिए से काम करवाया? क्या है हमारा दोनों गाँव में वो 13 से 15 से वो निधि आया है, वो हमारा निधि आया तो भी गवर्नमेंट अप्रूव करने के लिए है, रोड गटर वो पानी वो पाइपलाइन ये सभी हमें लिख करके अप्रूव से दिया है। अच्छा, ये कोरोना कंकाल जो चल रहा है अभी, जो ये जो दिक्कतें हो रही हैं, पिछले बार भी लास्ट अवधि में जो ग्राम पंचायत की लास्ट अवधि थी जब से शुरुआत हुई, अभी बीच में नया ग्राम पंचायत भी इलेक्शन भी हुआ उसके बावजूद उसमें अध्यक्ष भी बना दिया गया,
कोई फंड वगैरह वहां से ज्यादा रिलीज नहीं हो पा रहा। ऐसे हालत में कोरोना के मरीजों के लिए हो या आपके इसमें सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर पे हैं आप लोग, महाराष्ट्र से लोग आ जाते हैं, कहीं से भी इधर आने के चांसेस होते हैं, तो उनके लिए सामान्य लोगों के लिए आप किस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिए थे, क्या क्या काम हुआ है? वो हमारा नेटिव कोविड से जो चल रहा है वायरस, वो हमारा थोड़ा गांव में हमें पहला स्टेटमेंट करके हमें सभी लोगों को वो गर्म पानी, वो औषध, वो थोड़ा औषध पाना से खाने के लिए मास्क पहनने के लिए सभी हमें घरों घरों जाके वो पत्रकार करके डिजिटल बोर्ड करके हमें सभी लोगों को दिया है। गांव में, दोनों गांव में सैनिटाइज वगैरह हो या क्लीनिंग स्वच्छता हो, किस तरह से किया? वो हमारा दोनों गांव में दो तीन बार में सैनिटाइज मारा है पंचायत तरफ से, और खासगी बना वो कंपनी हो, सोशल वर्क वगैरह सभी किया है। तो बहुत सारे ऐसे गरीब घराना भी था जो बाहर कमाने के लिए कूली के मजदूरी के लिए जाते थे, अचानक से लॉकडाउन शटडाउन करा दिया गया हिंदुस्तान में सभी जगह पर, तो मिडिल क्लास से और लो क्लास दोनों के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो गई थी, तो उनके लिए राशन पानी का किस तरह से आप लोगों ने देखभाल की? क्या MLA फंड से हो या MLA के थ्रू हो या MP के थ्रू या आपके खुद के थ्रू हो या जिला पंचायत तालुक पंचायत के जरिए से हो, आपने कुछ करवाया? वो हमारा पंचायत तरफ से धान्य अनाज मुफ्त मिलता है सभी महीनों के लिए, सभी लोगों को हमें रेशन कार्ड BPL सभी है वो सभी को रेशन कार्ड मिलता है, रेशन मिलता है, वो नरेगा का काम है ना, वो सभी लोगों के पंचायत तरफ से काम दिया है, तो सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहा है। यहाँ पे भी कोई शील डाउन वगैरह या कोई पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा कुछ मिला था? वो दो चार पेशेंट को पॉजिटिव मिला था, पर 15 दिन के बाद वो 14 सही हो गया, किसी का डेथ वगैरह तो नहीं हुआ? कोई डेथ के नहीं हुआ। तो आप लोगों ने ज्यादा तवज्जो दे के उसको क्लियर किया? क्लियर किया। वेरी गुड। अब यहाँ पे सिटी भी बहुत करीब है आपके, सिटी बहुत करीब, 6 किलोमीटर का है, बिल्कुल 5-6 किलोमीटर पे तो यहाँ पे तुरंत सेवा मिल जाती है, सेवा मिलती है तुरंत। तो आप लोगों ने स्पेशली कोरोना काल में आपको क्या तरीके से यहाँ पे आपका अपना, क्योंकि अध्यक्ष है तो पूरी जवाबदारी यहाँ पे माँ की दाखिल है, यानी कि एक माता जी के तहत होते हैं, यहाँ माता पिता की तरह यहाँ पे पॉलिटिकल कैरियर में जितने भी एक बड़े पैमाने पे रहते हैं वो लोग देखने के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो आप लोगों ने खासकर सैनिटाइज के साथ साथ में उन लोगों को स्वच्छता रखने के लिए आश्रय कार्यकर्ता हो, तो इनको लेके आपने क्या क्या? वो हमारे आशा कार्यकर्ता गवर्नमेंट तरफ से सूचना से PHP हेल्थ डिपार्टमेंट से हम सभी घर में जाके वो आशा कार्यकर्ता सभी बातचीत के होकर के पंजाबी मीटिंग बोलूंगा ना हमें सर्व में एक ही ले। अभी तीसरा स्टेज लागू हो रहा है, केंद्र सरकार ने जा बजा सही पर भी अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं, ये छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, तो इसके लिए आपने क्या सोच रखा है, क्या अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों में? क्योंकि हमारे गांव में बच्चों के लिए छोटों बड़े बच्चों की उकाना सभी मास्क लेने के लिए, वो घर में किधर भी नहीं जाने का, घर में बैठकर स्कूल भी तो आता है, अभी बंद है, आता स्कूल चालू होना रहे त्याच्यानंतर मैं शाळेत वगैरह सैनिटर मारून सगळ्या मुलांना माहिती दिलेली, यानी स्कूल्स में भी आप लोग जाके उसको अवेयरनेस ला रहे हैं, यानी किस तरह से रहना, स्वच्छता कैसे रखना है, तो ये गाइड कर रहे हैं आप लोग, तो उसकी तैयारी तो आप लोग कर चुके हैं। वेरी गुड सर। अच्छा, जैसे ये कोरोना आज है कल चला जाएगा, ये तो कायम रहने वाला तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले बार डेंगू आया था ऐसे ही सब परेशान थे, इस तरह की बहुत सारे बीमारी आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसके बाद में आप अपनी तरफ से जो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं अभी क्या क्या बाकी है आपके डेवलपमेंट काम? वो हमारा तो डेवलप करने के लिए थोड़ा रोड है, तो अभी क्या क्या है अंदाजन, क्योंकि आप सर्वे करते रहते हैं गाँव में, अभी क्या बता रहे हैं? वो थोड़ा रोड करने के लिए है, थोड़ा गड्ढा है, थोड़ा पानी के लिए टाके बनाने वाले है, विद्युत इलेक्ट्रिक भी कनेक्शन दिए जाने के लिए और खामा बनाने वाले हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ आपका क्या निगाह रखते हैं, किस तरह से देखते हैं? आंगनबाड़ी हमारा कल्याणी छोड़ा आंगनबाड़ी तो है, तो कितने आंगनबाड़ी है हमारा? 6 आंगनबाड़ी है। वहाँ से फूड कैसे विस्फोट हो रहा है, यानी कि वहाँ से जो निकलता है फूड क्या सही से उन जरूरतमंदों को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि देखना आप दोनों की जिम्मेदारी होती है, खासकर आपकी मैडम की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष और PDO की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे जाए स्वच्छता देखें, क्योंकि अभी खासकर स्वच्छता रखना बहुत लाजिम बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप लोग जब विजिट करते रहते हैं आंगनबाड़ी में? और आंगनबाड़ी में राशन आता है, जब विजिट देने के बाद सभी लड़कों को घरों बाइकों का लेडीज का भी सभी राशन मेरे सामने देते हैं। चलो आखिरी में सवाल करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ सर, आपने 30 ईयर्स में यानी
30 साल से आप सोशल एक्टिविटीज में हैं, उसमें ग्राम पंचायत में टोटली आप दोनों का मिलाएंगे तो 5 मरतबा यानी 5 टाइम्स आप इलेक्टेड मेंबर्स होकर वर्क करने का एक मौका मिला है, दो बार अध्यक्ष स्थान भी मिला है। अब तक के काम में आपको सैटिस्फैक्शन यानी सबसे ज्यादा खुशी कौन से काम में मिली सर? 30 वर्षांमध्ये माझा विकास मी केलेला आहे, विकासाच्या लोक मला अण्णा म्हणून बोलवतात, काही गाव मला सर्वजण लहान थोर वडील जरी अण्णा म्हणून मला हे करतात। मी सभासदमध्ये मला फार आवड आहे, मी गरिबांच्यासाठी याच्यासाठी मी सेवा बजावत असतो, एवढं मला खुश आहे। तो ज्यादा संतुष्ट हुए तो और कुछ आपका सोच के हिसाब से कुछ काम बाकी है जो अभी करेंगे तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी ऐसा कुछ काम? वो हमारे गांव में और थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ तो मेरा खुशी बहुत होगी, और ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छी बात है सर, बहुत सारी बातें करनी थी, वक्त बहुत कम है, इस वजह से हमारी अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हुए इस वीडियो के मुखांतर आपको भी मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब तक पॉलिटिकल कैरियर में आप लोगों ने क्या क्या किया था और अभी जो आपने बताया है इसकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फोटोस हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा है ताकि लोगों को पता चले, और आने वाले दिनों में जो भी आप काम करेंगे खुला खुला लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन डे बाई डे पहुँचाने के लिए नेशनल पॉलिटिक्स politiciansinindia.com मीडिया वालों ने हर ग्राम तक भी पहुँचे हैं। अप्रॉक्सीमेटली कर्नाटक के अंदर 70-80% मिनिस्टरों से लेकर ग्राम पंचायत तक हम लोग हर किसी को ये इस तरह से मुलाकात करते हुए आ रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है हमारे व्हाट्सएप के जरिए हो या मेल के जरिए हमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पब्लिक की सेवा के डॉक्यूमेंट्स हैं नॉट ए पर्सनल और पर्टिकुलरली, तो ये डॉक्यूमेंट्स को हम तक पहुँचाना आपका काम है, क्या आप पहुँचा सकेंगे? हाँ पहुँचा सकता हूँ। वेरी गुड सर, बहुत सारी बातें करनी थी, वक्त बहुत कम है, इसी वजह से हमारी और आपकी बातचीत यहीं पर खत्म करते हुए निम्ब इबरी नम नेशनल पॉलिटिक्स politiciansinindia.com वतिया वीक्षकर वतियां तमेंगे धन्यवाद। वीक्षकरे तो वीक्षितिदिरि बेळगावी जिले बेळगावी ग्रामांतर विधानसभा क्षेत्र सुलगायु ग्राम पंचायत हाली अध्यक्षर निर्मल ಮತ್ತು ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಕಾಂಕರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದೇ ಲಾಗಾನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.